स्टेटमेंट है और आपके एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा जाता है, वंस ए ट्रस्ट ऑलवेज ए ट्रस्ट, एक्सप्लेन, आपको ये पूछा जाता है, वंस ए ट्रस्ट ऑलवेज ए ट्रस्ट, इसको आप डॉक्ट्रिन कह लो, आप इसको एक फेमस प्रोवर्ब कह लो, बट इट्स वेरी फेमस और हमेशा कई बार पूछा जाता है कि इसको एक्सप्लेन करो। अच्छा, कई बार जब ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए और बोले आपको एक्सप्लेन करो या कमेंट करो, एक्सप्लेन या कमेंट, तो मैं आंसर लिखने का तरीका बता देता हूँ। आप उन चीज़ों को बताओ कि वो है क्या, इसका मतलब क्या है। अच्छा, एक बात और, उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा, आपको उसका एक्सेप्शन भी लिखना है। मतलब आप जितनी भी डॉक्ट्रिन्स को देखोगे ना, वो डॉक्ट्रिन्स तो है लेकिन उसका एक्सेप्शन भी होता है कि कहाँ वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, है ना। अब जैसे एग्जाम में पूछा कि बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज क्या होती है, आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज किस सेक्शन को कहते हैं, सेक्शन 5 को कहते हैं, सेक्शन 5 को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। तो हम बड़े आराम से बताएंगे कि साहब यूँ तो सेक्शन 3 कहता है कि लिमिटेशन के बाद आओगे तो डिसमिस कर देंगे सूट को, अपील को, एप्लीकेशन को, बट सेक्शन 5 कहता है ना कि अगर अपील का मैटर है, एप्लीकेशन का मैटर है और सफिशिएंट कॉज अगर आप दे रहे हैं तो लिमिटेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, आपने नहीं फाइल करने का, वक्त पे नहीं फाइल करने का, सफिशिएंट कॉज दे रहे हैं तो वो एक्सटेंड हो जाएगी। अब ये डॉक्ट्रिन तो है लेकिन इसका एक्सेप्शन भी तो है ना। आप बोलेंगे अरे सूट के केस में ये डॉक्ट्रिन नहीं लगती है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के केस में ये डॉक्ट्रिन नहीं लगती है। तो बिल्कुल आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको ना एक बार कोई भी चीज़ कहा जाए कि इसको लाइन दे दिया, बोले इसको कमेंट करो या इसको इसको एक्सप्लेन करो, तो आप डिटरमिंड हो जाओ कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको 5 out of 5 तो लेना ही है। कैसे लेंगे, तो सबसे पहले इस ये है क्या वो एक्सप्लेन कर दो, और उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, नॉन एप्लीकेबिलिटी है, वो एक्सप्लेन कर दो, दैट्स मोर देन एनफ, यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट मार्क्स इट ऑल देयर। चलिए अब समझते हैं जरा ये क्या है, ये सेक्शन 10 है बेसिकली, सही ना, सेक्शन 10 जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं वंस ए ट्रस्ट ऑलवेज ए ट्रस्ट, दैट्स वंस ए ट्रस्ट ऑलवेज ए ट्रस्ट। अब समझिए कि ये क्या होती है, ये कहता है ना कि अगर कोई ऐसी चीजें हैं ना जो ट्रस्ट में है, ट्रस्ट में, तो वहां कोई लिमिटेशन विमिटेशन काम नहीं करता, वो हमेशा एट ईच एंड एवरी पॉइंट देयर वुड बी अ फ्रेश लिमिटेशन पीरियड विल बी स्टार्टिंग। अब जैसे मैं एक बड़ा ही लेमन एग्जांपल दे देता हूं, ए कहता है बी को, या बी ने ए से उसके साइकिल मांगी, ए ने बी को साइकिल दे दी कि जाओ काम हो जाए तो मुझे वापस कर देना, 1 साल हो गए वापस नहीं किया, 2 साल हो गए अभी भी नहीं दिया, 3 साल हो गए अभी भी नहीं दिया, 4 साल हो गए अभी भी नहीं दिया, 10 साल हो गए अभी भी नहीं दिया, 20 साल हो गए अभी भी नहीं दिया। 20 साल के बाद ए को नहीं रह गया, बी से मांगने चला गया कि एक मेरे साइकिल दे दो 20 साल पहले जो लिए थे। क्या कहाँ आ गए हो, 20 साल पुरानी चीज़ अभी मांगने आए हो, लिमिटेशन बार निकलो। सेक्शन 10 बोलेगा नहीं साहब, ये साइकिल दिया गया था, ये मैटर ट्रस्ट में था, आपने साइकिल के लिए उसको कोई पेमेंट नहीं दिया था, ये तो ट्रस्ट में, मतलब यहाँ एक ट्रस्ट का क्रिएशन होता है, एक ट्रस्ट क्रिएट होती है और यहाँ पे कोई लिमिटेशन काम नहीं करता। तो वंस ए ट्रस्ट ऑलवेज ए ट्रस्ट, दिस इज द पॉइंट कॉल्ड। ये तो एक लेमैन एग्जाम्पल था, ऐसे ही कुछ भी उठा के दे दिया, मैं थोड़े लीगल एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ। अब समझिए पहले ये क्या होता है, अब पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। चलिए समझते, पहले रीड करते हैं, इसी चीज को ध्यान में रख करके रीड करते हैं, समझ में आएगा। देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, पहले तो ये सेक्शन 10 कहता है कि मैं बिल्कुल सुपीरियर हूं, मेरे सामने सारा एक्ट
चुप रहो, शांत रहो, ये पूरी एक्ट को चुप करा रहा है कि भाई मेरे खिलाफ कोई भी प्रोविजन, कोई भी कुछ अगर बोलोगे तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। हमने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, हमारे को काटने वाला दैट वॉज इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन नहीं हो सकता है, ना तो सेक्शन 10 से पहले वाला कोई सेक्शन, ना तो सेक्शन 10 से बाद वाला कोई सेक्शन। हाँ, अगर दूसरा कोई एक्ट कुछ कह देना तो सेक्शन 10 कहता है, फिर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। वो अगर मेरे अपोजिट बोलता है तो देखेंगे, दैट वुड बी डिफरेंट मैटर। लेकिन लिमिटेशन एक्ट का अगर कोई भी सेक्शन मेरे खिलाफ बोलता है तो मैं प्रिवेल करूंगा, दूसरा कोई प्रिवेल नहीं करेगा। ये तो नॉट विद स्टैंडिंग का जो मतलब था वो मैं आपको बता रहा हूं, सही है ना? वो वही लिखा होता ना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस, तो सिर्फ प्रीवियस सेक्शंस को ओवरराइड कर रहा होता, मतलब 1 to 9 को ओवरराइड कर रहा होता नहीं। और अगर लिखता नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, अगर वो लॉ वर्ड लिख दिया होता ना, तब तो ये इंडिया के सारे एक्ट को सुपरसीड करके बिल्कुल किंग बन गया होता कि भाई मेरे के अपोजिट बोलने वाला इंडिया का कोई भी कानून नहीं हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ अपने इस एक्ट को सुपरसीड कर रहा है, बाकी दूसरे एक्ट को सुपरसीड नहीं कर रहा है ये प्रोविजन। अब देखिए क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं, नो सूट अगेंस्ट ए पर्सन इन हुम द प्रॉपर्टी हैज बिकम वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस और अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनीस। दैट वॉज, मैं इस ब्रैकेट वाला पॉइंट को बाद में पढ़ूंगा, अभी नहीं करा रहा हूं मैं ब्रैकेट वाले पॉइंट को। फॉर द पर्पस ऑफ फॉलिंग इन हिज और देयर हैंड्स सच प्रॉपर्टी और प्रोसेस देयर ऑफ और फॉर अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी बार्ड बाई एनी लेंथ ऑफ टाइम। यहां पढ़िए, शैल बी बार्ड बाई एनी लेंथ ऑफ टाइम। अब यहां से पहले मैं रीड करना फिर सिखा रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या जिसको अंडरलाइन करूंगा पहले उसी को पढ़िएगा फिर दूसरी चीजों को पढ़िएगा, और कितना आसान हो जाता है सो देखो आप, ध्यान से देखो आप कितना इजी हो जाता है पढ़ना, समझना कितना आसान हो जाता है। कहते हैं, नो सूट अगेंस्ट ए पर्सन दैट वॉज शैल बी बार्ड बाई एनी लेंथ ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये पर्सन है, इसके अगेंस्ट कोई भी सूट बार्ड बाई लिमिटेशन नहीं होगी। मतलब क्या, ये बिल्कुल खुला इंसान है, इसके ऊपर जब चाहो तब सूट फाइल कर दो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, जब चाहो तब फाइल कर दो। अब बोलोगे 50 साल बाद मर गया तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्या उसके खिलाफ भी फाइल कर सकते हैं? तो ये कहता है बिल्कुल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी फाइल कर सकते हो, ये लिखा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या उसका जो असाइनी है ना उसके ऊपर भी फाइल कर सकते हो। अभी बता रहा हूं असाइनी क्या होती है, अभी बताऊंगा, उसके ऊपर भी फाइल कर सकते हो। अगर ये मर गया, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइकिल ये मान के ले गया था लेकिन मर गया बेचारा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास वो साइकिल है, इससे मांग लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वन द मैटर, दिस वन, अब जरा समझिए, जरा ध्यान सुनिएगा। कहता है, नो सूट अगेंस्ट ए पर्सन इन हुम द प्रॉपर्टी हैज बिकम वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब प्रॉपर्टी हमने किसको दिया था, इसको दिया था, प्रॉपर्टी हमने इसको दिया था, दैट वॉज वी हैव गिवन दिस प्रॉपर्टी टू दिस फेलो इन हुम द प्रॉपर्टी हैज वेस्टेड इंटरेस्ट। क्यों भला, ए स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो मांग के ले गया था, उसका कोई पर्पस था, हमने गिफ्ट थोड़े ना किया था, हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको दिया था। तो ठीक है भाई, इसके अगेंस्ट सूट लिमिटेशन से बार्ड नहीं होगी, क्या इसके बच्चों के अगेंस्ट भी नहीं होगी? ये तो मर गया और वो प्रॉपर्टी अभी इसके बच्चों के पास है, क्या इसके बच्चों के अगेंस्ट भी नहीं होगी? वो कहता है बिल्कुल, बच्चों के अगेंस्ट भी बार्ड नहीं होगी, उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं, और इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनीज हम उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। किस लिए? तो फॉर द पर्पस ऑफ फॉलिंग इन हिज और देयर हैंड सच प्रॉपर्टी, उसके हाथ में प्रॉपर्टी हम उसको लेने के लिए कर सकते हैं, या उसने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है तो उसके प्रोसीड्स को, उसके पैसे को लेने के लिए कर सकते हैं, उसके अकाउंट, उसके पैसे को लेने के लिए कर सकते हैं। और ये सूट जो है ना कभी बाढ़, कभी कभी बाढ़ नहीं होगी, कभी बाढ़ नहीं होगी।
अब मैं इसको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तब ज़्यादा और क्लियर होगा, फिर पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल को समझ लिए बढ़िया से, फिर हम आते हैं इसको पढ़ते हैं। सुनिए ध्यान से क्या होता है, सुनिए। अब कहता है, सपोज करिए यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके आते हैं। सपोज डैट ए है, ए ने ना बी को बोला कि हे बी, ये हाउस ले लो, इस हाउस से तुम पैसे कमाना, और इस हाउस से जो पैसे आएंगे ना, वो मेरे इन बच्चों के को A1 और A2 इनके देखरेख में खर्च करना। इस हाउस से पैसे कमाना और जो भी पैसे आएंगे ना, तुम हमारे इन दोनों बच्चों के देखरेख में लगाना, बेच देना जो भी पैसे आए, इनको पढ़ाना लिखाना जो भी करना है करना। तो ठीक है, बी ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी ले ली। अब जैसे ए ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि बेच देना, तो ए ने एक इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी बेच भी दिया। अब प्रॉपर्टी बेच के आया, सपोज करो 60 लाख, लेकिन उसने शो किया सिर्फ 50 लाख, 10 लाख छिपा गया। मतलब प्रॉपर्टी बिकी थी 60 लाख की, उसने शो क्या किया सिर्फ 50 लाख, और 10 लाख को वो कंसील कर गया, छिपा गया, और 50 लाख इनके बेनिफिट के लिए यूज़ किया, और 10 लाख जो है ना, 10 लाख वो क्या किया, 10 लाख जो है उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर ली, अपने लिए, अपने अकाउंट में डाल दिया 10 लाख। अब समय बीता, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, ये बड़े हो गए, बूढ़े भी हो गए। अब इनको पता चला कि नहीं साहब, वो प्रॉपर्टी तो उस वक्त 60 लाख की बिकी थी, ये बी ने ना हेरा फेरी की थी 10 लाख रुपए की। अब चाहते हैं वो उस 10 लाख की रिकवरी करने के लिए। कैन दे रिकवर, क्या ये लिमिटेशन बार्ड होगा? नहीं, ये लिमिटेशन बार्ड नहीं होगा। अगर बी जिंदा नहीं है तो इस पैसे को एंजॉय इसके बच्चे ने किया है, तो इसके बच्चों से भी ले सकते हैं, वो बार्ड नहीं होगा। इट सेल नॉट बी बार्ड बाई लिमिटेशन। दिस इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 10। दिस इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 10। अभी इसमें और भी बातें बतानी है। मूवेबल इमूवेबल कोई मैटर ही नहीं यहां पे, यहां मैटर है ट्रस्ट। वंस द ट्रस्ट हैज गॉट टू बी क्रिएटेड, दिस सेक्शन 10 इज एप्लीकेबल। दिस सेक्शन 10 इज एप्लीकेबल, दैट मच। और सेक्शन 10 ट्रस्ट कैसे कैसे क्रिएट होती है, अभी मैं उस मुद्दे के ऊपर भी आऊंगा, अभी मैं उस मैटर के ऊपर भी आऊंगा, ट्रस्ट कैसे कैसे क्रिएट होती है। लेकिन आप यहां जान के रखिएगा, ये मामला ही पूरा ट्रस्ट का था, पूरा मैटर ही ट्रस्ट का था, प्रॉपर्टी बेच देना, जो पैसे आए दोनों बच्चों के डिविजन्स में लगाना, दोनों बच्चों को बेनिफिट देना उसके, प्रॉपर्टी बेच के जो पैसे आए वो तो पैसा ही ट्रस्ट का था फिर तो। सही है, चलिए। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी हो सकता है, और अगर किसी को असाइन कर दिया है ना, मतलब ये खुद ही किसी को रखने को दिया, तो उसके अगेंस्ट भी एप्लीकेबल होगा सेक्शन 10। अब यहां तक क्लियर है तो बताइए, मैं इसमें और भी बातें उसको बताता हूं। क्या यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े? So to go a bit further, that was, yes sir, clear है, clear है, ठीक है। अब मैं आगे समझाता हूँ। स्टोरी याद रखिए, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ स्टोरी याद रखना है आपने। एक पेन पेपर लेके बैठो, मेरे क्लास के बाद भी फिर थोड़ा देर जो मिस हो गया है नोट डाउन करना, उसको जरूर नोट डाउन करो। स्टोरी आपको याद है तो आपको सारे प्रोविजंस प्रॉपरली याद है। अब जरा सिचुएशन, अब सिचुएशन समझिए क्या है। अब मैं कहता हूँ ए ना
बी को, अब देखिए ये हाउस ट्रांसफर किया, सही है, ए ने बी को ये हाउस ट्रांसफर किया और कहता है कि भाई इस हाउस का जो भी बेनिफिट हो, इस हाउस का जो भी बेनिफिट हो आप A1, A2, A3 के लिए यूज़ करना, A1, A2 और A3 के लिए यूज़ करना है, ठीक है। बी हाउस को रेंट पे चढ़ा दिया और जो भी बेनिफिट है वो यूज़ कर रहा है, किसके लिए यूज़ कर रहा है, A1, A2 एंड A3 के लिए यूज़ कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, बी को एक लालच आ गई, एक जो हाउस का हिस्सा था, पार्ट था, उसने किसी तीसरे पर्सन सी को बेच दिया, मतलब ट्रस्टी हैज सोल्ड आउट द प्रॉपर्टी। उसको लगा कि, इसको लगा कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अगर थोड़ा सा कुछ निकाल दे तो पता ही नहीं चलेगा, और इसने भी ऐसे ही कुछ किया, इसने किसको बेच दिया, इसने सी को बेच दिया और पैसे भी लेके रख लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी सी को बेच दिया। अब जब ये बड़े हुए, बड़े होने के बाद भी लिमिटेशन वगैरह सब खत्म भी हो गया, तब इनको पता चला, अरे ये तो मेरा प्रॉपर्टी था जो आज सी के पास है। पूछा, सी तुमने कहाँ से लिया, तो बोला बी ने बेचा। अब ये इसकी रिकवरी के लिए सूट फाइल करने जाते हैं और सी लिमिटेशन का डिफेंस लेता है कि ये लिमिटेशन बार्ड है, सही है ना, लेकिन जो प्लेंटिफ है वो सेक्शन 10 का डिफेंस लेते हैं। तो आप बताइए किसका डिफेंस प्रिवेल करेगा, सी का डिफेंस है, इट हैज गॉन मोर देन 30 ईयर्स एंड दिस सूट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन, बट प्लेंटिफ सेज नो, इट्स द मैटर ऑफ सेक्शन 10, इट्स द मैटर ऑफ द ट्रस्ट, हियर द ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, सो द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लिमिटेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल हियर। सी कौन प्रिवेल करेगा, बींग ए जज आप किसके फेवर में जाएंगे, ए के फेवर में या सी के फेवर में, दिस वन, प्लेंटिफ के लिए या फिर डिफेंडेंट के फेवर में, कौन प्रिवेल करेगा यहाँ पे, आप थोड़ा आंसर कीजिए समझ के। सेक्शन 10 आपके सामने है और आपने पढ़ा, भली बात ही पढ़ा और देखा, अब आप बोलिए कौन प्रिवेल करेगा इस केस में, हु विल प्रिवेल दिस सूट, किसके फेवर में केस का फैसला जाएगा, ए के फेवर में या सी के फेवर में। प्लीज रिपीट, हम रिपीट करते हैं फिर से, रिपीटिशन इतनी है कि अगर मैं केस को ही एक बार फिर से डिनोट कर दूं, ए विल प्रिवेल एज पर सेक्शन 10, अब मैं केस को फिर से रिपीट कर दूं, ए ने बी को कुछ प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ A1, A2, A3, बट व्हाट द बी हैज़ डन, बी हैज सोल्ड आउट दिस प्रॉपर्टी, बी ने प्रॉपर्टी को बेच दिया, समझ लो ए ने बी को प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट दिया था और बी ने ये प्रॉपर्टी बेच दिया, सही है, सी को बेच दिया। अब समय गुजरता गया, ये जब बड़े हो गए, बहुत दिन हो गए, काफ़ी समय बीत गया, उसके बावजूद भी अब पता चला कि भाई ये प्रॉपर्टी तो सी को सेल आउट हो चुकी है, ये प्रॉपर्टी सी को सेल आउट, मान लो 100 साल के बाद, 50 साल के बाद इनके बच्चों को पता चला, जो भी है, ये प्रॉपर्टी तो सी को बेच दी गई है। अब जब इससे रिकवरी का सूट फाइल करने जाते हैं तो सी डिफेंस लेता है सूट लिमिटेशन बार्ड है, लेकिन A1, A2, A3 मतलब ए ब्रदर्स का कहना है कि सूट इज़ नॉट लिमिटेशन बार्ड बिकॉज सेक्शन 10 इज प्रिवेलिंग हियर, द सूट इज़ नॉट लिमिटेशन बार्ड। अब आपको फैसला करना है बींग ए जज किसके फेवर में कोर्ट इंक्लाइंड होगी, ए के फेवर में या सी के फेवर में। अमाउंट हाँ थोड़ा सही बिल्कुल जा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बोला कि सेल कर दिया बी ने, सेल किया इसका मतलब पैसे भी दिए हैं, तो यही बात यहाँ पे बताना चाह रहा था जो आपको मैंने ब्रैकेट में मिस कर दिया यहाँ बताना।
यहाँ पे मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था और यही चीज़ अब मैं फिर से लेके आ रहा हूँ। ये देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है नॉट बींग असाइन फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अगर असाइन किया गया है तो सेक्शन 10 आ रहा है, लेकिन अगर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले असाइन की गई है, मतलब बेच दिया गया है, पैसे भी लिए गए हैं, ट्रस्टी ने उसको बेच करके उससे पैसे ले लिए हैं, तब फिर सेक्शन 10 रास्ते से हट जाता है। फिर तो जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो एप्लीकेबल होगी। तो बहुत नेचुरल सा फैक्ट है, यहाँ सी केस को जीत जाएगा क्योंकि यहाँ एक बायर है, उसने उसकी एक वैल्यूबल कंसिडरेशन पे की थी। दिस वन, उसने एक वैल्यूबल कंसिडरेशन पे की थी। आप बियॉन्ड द जजमेंट मत जाइए। आपसे सिंपल ये कहा गया कि प्रॉपर्टी कोर्ट किसको देगी, सी को या फिर ए ब्रदर्स को, दैट वॉज ओनली दिस क्वेश्चन इज देयर। यहाँ आपको ये देखना होता है कि आप कितने इमोशनल इशू पे चले जाते हैं, आप लॉ पे रहते हैं या लॉ पे नहीं रहते हैं, दैट इज द पॉइंट कॉल्ड हियर। सही है ना? वैल्यूएबल कंसिडरेशन, व्हेन द प्रॉपर्टी फाइंड्स इट्स वे इनटू द हैंड्स ऑफ असाइनी फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन, देन लो नो लॉ ऑफ लिमिटेशन, दैट वॉज इन दैट वेरी केस द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लिमिटेशन विल प्रिवेल हियर। सी पिक्चर में कैसे है? क्योंकि सी पिक्चर में ऐसे है कि बी से सी ने प्रॉपर्टी परचेज किया है, बाई कर लिया है। सी से प्रॉपर्टी, सी ने किससे प्रॉपर्टी खरीदा है? बी से प्रॉपर्टी खरीद लिया है। अब ए वन ए टू ए थ्री सोचा कि प्रॉपर्टी तो किसके पास है, प्रॉपर्टी सी के पास है, तो सीधा सी से रिकवर करते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हमारी थी जो बी को दिया गया था हमारे बेनिफिट के लिए, तो बी ने हेराफेरी करके होशियारी करके सी को बेच दिया। तो यहाँ पे सिंपली कहा कि जब वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यही चीज था यहाँ पे, नॉट बींग असाइन्स फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अब देखो, इन्हीं को बेस बना करके मैं नीचे अपनी कमेंट्री डालता हूं जिसमें सारी बातें आ जाती हैं। नाउ कमेंट्री, हमारे सेक्शंस के कमेंट्री आप पढ़ोगे तो सारा एग्जॉस्टिव नोट्स बनता है, उसमें काफी कुछ रहता है। वंस ए ट्रस्ट ऑलवेज ए ट्रस्ट, समटाइम्स दिस स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन्ड। आपको ये कहा जाता है कि भाई आप इसको एक्सप्लेन करो, वंस ए ट्रस्ट ऑलवेज ए ट्रस्ट, वॉट दिस थिंग इज देयर, इट्स जस्ट बी नथिंग बट इट्स सेक्शन 10, इट्स सेक्शन 10। योगेश पूछ रहे हैं व्हाट इन केस इफ ये बी के अगेंस्ट, अगर ये केस फाइल करते हैं तो बी के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं तो ये हमारा सेक्शन 10 का तो मामला नहीं है। बी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आपको लेनी है तो जिसके पास प्रॉपर्टी है उसी के अगेंस्ट फाइल करेंगे, सेल तो कैंसिल होगी नहीं क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी मैटर है। सही है, बी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल हो सकती है, बी से पैसे रिकवर किए जा सकते हैं उसके, लेकिन ये सारी बातें इस पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, सेक्शन 10 से कनेक्टेड नहीं है। हमारा सेक्शन 10 में ये कहना है, समझना है कि अगर सी के अगेंस्ट सूट फाइल करे तो क्या लिमिटेशन रन करेगी, तो बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक उसी तरह अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं, यहां पर ए ने बी को अपनी साइकिल दी और बी से वो साइकिल जो है ना वो 50 साल बाद मांगने गया, क्या बी इनकार कर सकता है? लिमिटेशन नहीं लगेगा यहां पर। लेकिन बी ने ये साइकिल सी को बेच दिया है, इससे वो गए 50 साल बाद मांगने, तो ये बोलेगा कि भाई मैंने तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले खरीदा है, मेरे से तो ट्रस्ट क्रिएशन थोड़े ना हुई है, तो यहां पे जो है ना वो लिमिटेशन लग जाएगा। सही है, तो फाइनल आंसर ये है कि अगर सी के अगेंस्ट अगर सूट फाइल करता है तो वो लिमिटेशन से बार्ड होगा, ये लिमिटेशन से बार्ड होगा। सही है, आप बिल्कुल सिंपल सुनिए, एक बार
ट्रस्ट क्रिएट हो जाती है तो लिमिटेशन प्रिवेल नहीं करता है। लेकिन अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी किसी को असाइन कर दी जाती है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन तो लिमिटेशन प्रिवेल करता है, फिर लिमिटेशन एक्ट आ जाता है, ठीक है ना, फिर लिमिटेशन एक्ट आ जाता है। आप यूं ऐसे समझ लो, मैं अगर अपना कोई सामान आपको दे दूं तो मैं जब चाहे वापस लेने आ जाऊंगा, आपको देना पड़ेगा, वहां लिमिटेशन नहीं लगेगा। लेकिन आप उस सामान को किसी को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तब लिमिटेशन एक्ट आ जाएगा। यहां पे लिमिटेशन एक्ट लगेगी। दैट बी क्वाइट नेचुरल फैक्शन वी गॉट देयर। हाँ, दैट वाज सी के केस में जरूर लिमिटेशन रन करेगी। दैट इज अ वेरी नॉर्मल मैटर वी गॉट देयर, ठीक है। चलिए, अब देखिए, एंड अब यहां पे देखिएगा, मैं इस लैंग्वेज के ऊपर एक बार फिर से आता हूं। अब सिचुएशन समझिए, मैंने ना इस सेक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये साइकिल वाइकिल का एग्जांपल दे दिया था आपको, सही है ना। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली क्या होता है, यहां कहा जाता है ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज फॉर द पर्पस दैट, अभी इसको समझिएगा, व्हेन द ट्रस्ट वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, मतलब ट्रस्ट का पर्पस क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस का ट्रस्ट होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर सर्टन स्पेसिफिक वेस्टिंग ट्रस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस और अगेंस्ट दैट वॉज हाँ हिज लीव। चलिए ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से देखिएगा इस लाइन को पढ़ करके, नो सूट अगेंस्ट ए पर्सन इन होम द प्रॉपर्टी हैज बिकम वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी दैट वॉज। अब स्पेसिफिक पर्पस का मतलब यहाँ पे क्लियर भी किया गया है, एंड यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, जो भी प्रॉपर्टी है हिंदू की, मुस्लिम या बौद्धिस्ट, रिलीजियस या चैरिटेबल इंडोमेंट्स जो हैं, हम उनको कहेंगे टू बी डीम द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, हम उनको कहते हैं। यहाँ पर मतलब ये प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर दिया गया कि आप इस प्रॉपर्टी को लेकर के आना सेक्शन 10 के बेनिफिट के लिए, और जो प्रॉपर्टी का जो मैनेजर होगा हम उसको उसका ट्रस्टी कहेंगे, हम उसका ट्रस्टी कहेंगे। मतलब ट्रस्टी के अगेंस्ट हम कभी भी सूट फाइल कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में सूट फाइल कर सकते हैं, दिस वन द मैटर, चाहे अब वो ट्रस्टी है या वो ट्रस्टी नहीं है, अगर उसने उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट अपने फेवर के लिए यूज़ कर लिया है तो हम कभी भी सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, अगर किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी चली गई है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, इन दैट वेरी केस ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लिमिटेशन विल रन दिस वन। तो ये चीज़ यहाँ पर एक बात आ रही है। चलिए, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाया, ये सब चीज़ें बता दी आपको मैंने। और कंडीशंस टू बाईपास द लिमिटेशन, क्या कंडीशन है लिमिटेशन को हटाने का सेक्शन 10 में, ट्रस्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस ट्रस्ट होना चाहिए, एंड दैट वाज एक्सप्रेस वर्ड से क्रिएट होना चाहिए, एंड प्रॉपर्टी हैंडओवर की गई हो, ट्रस्ट हमेशा स्पेसिफिक पर्पस के लिए होनी चाहिए, एंड प्रॉपर्टी वेस्टेड हो ट्रस्टी को,
या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या फिर असाइनी को, असाइन किए गए हों, लेकिन कंसिडरेशन के बदले में नहीं, कंसिडरेशन के बदले में साइन किए गए हैं तो फिर ये बातें यहाँ पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रोविजन अप्लाई होती है ट्रस्टी के अगेंस्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट और असाइनी, असाइन जिसको किया गया है लेकिन बिना कंसिडरेशन का किया गया हो, कंसिडरेशन के बदले साइन किए गए हो तो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लिमिटेशन विल कम आउट इन दैट सिचुएशन, द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लिमिटेशन विल कम आउट। अब नॉर्मली कहा गया है एग्जीक्यूटर पार्टनर्स इन सबको ट्रस्टी नहीं कहे गए, कंपनी के डायरेक्टर्स ये आपको बता दिया, सूट मस्ट बी फॉर फॉलो द ट्रस्ट प्रॉपर्टी और इट्स प्रोसीड्स। मैं फॉलोइंग का मतलब बताया, फॉलोइंग मीन्स रिकवरिंग द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ये सब चीज आपको मैंने समझा दिए हैं। और एक चीज और कही, सिर्फ एक्सप्रेस्ड ट्रस्ट कवर्ड होगी, कभी कभी रिजल्टिंग ट्रस्ट होती है, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट होती है, नहीं ट्रस्ट क्या क्या होती है, एक एक्सप्रेस ट्रस्ट हो गया जिसमें हम सारा कुछ बोल करके या लिख के बताते हैं कि ये लो प्रॉपर्टी, इसको इसके बेनिफिट के लिए यूज़ करो, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, एक्सप्रेस ट्रस्ट। एक होती है इम्प्लाइड ट्रस्ट, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। कैसे क्रिएट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप बस में कहीं जा रहे हैं और बगल वाली सीट पे किसी का सामान पड़ा हुआ है, आपने वो सामान उठा लिया, एक ट्रस्ट की क्रिएशन हो गई, यू मस्ट होल्ड दैट प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन जिसका वो सामान था, एक ट्रस्ट का क्रिएशन हो गया, इसको कहते हैं इम्प्लाइड ट्रस्ट। नहीं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा कि भाई ये मेरी घड़ी है, रिस्ट वॉच है, इसको मार्केट में सेल कर दो, 5,000 में तो सेल करना ही करना। बी गया मार्केट में, इसको 5 के जगह 8,000 में सेल आउट कर दिया, तो बी ए को कितना वापस करेगा, 5,000 या 8,000? 5,000 तो करेगा ही करेगा, और 3,000 भी करना पड़ेगा क्योंकि वो 3,000 के लिए ना कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट का क्रिएशन हो गया, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। जो 3,000 अमाउंट है उसके लिए क्या क्रिएट होगी, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएट होगी। और एक होता है रिजल्टिंग ट्रस्ट, रिजल्टिंग ट्रस्ट में क्या होता है, ए बी को कहता है कि ये लो 2,00,000 रुपये, मेरे जितने भी क्रेडिटर्स हैं ना उन सबके बीच मेरे डेट को बांट दो, जो भी इंटरेस्ट है सब बांट बांट के ख़त्म करो, इसने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 20,000 फिर बच गए, 20,000 अभी भी बच गए, तो इस 20,000 के लिए क्या होगी, रिजल्टिंग ट्रस्ट क्रिएट होगी, और इस रिजल्टिंग ट्रस्ट का बेनिफिशरी कौन होगा, ए होगा। तो ये मैं तो ऑलरेडी ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली बता रहा था कि डिफरेंट तरह के ट्रस्ट होते हैं, एक्सप्रेस ट्रस्ट, इम्प्लाइड ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, रिजल्टिंग ट्रस्ट, दिस वन द मैटर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, रिजल्टिंग ट्रस्ट वगैरह सब नहीं चलती है, वहाँ पे वही स्पेसिफिक ट्रस्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, तब जाके सेक्शन 10 का बेनिफिट मिलेगा। ये रिजल्टिंग और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट होती है तो फिर बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और होती है कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन ट्रस्ट प्रॉपर्टी फाइंड्स इट्स वे इनटू द हैंड्स ऑफ असाइनी फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कहा गया वर्ड, एडिक्वेट कंसिडरेशन वर्ड नहीं यूज किया गया। एडिक्वेट कंसिडरेशन और वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है बी को अपना ये हाउस बेच रहा है, ए बी को अपना एक हाउस बेच रहा है, तो हाउस बेच रहा है कितने का, तो सपोज करो कि ये हाउस जो है इसकी कीमत नहीं भी कम से कम तो मार्केट वैल्यू इसकी जो है 50 लाख की होगी, लेकिन ए बी को ये हाउस 1 लाख में बेच रहा है, 1 लाख में, तो हम 50 लाख यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दैट्स एडिक्वेट कंसिडरेशन, लेकिन 1 लाख एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, ये एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन है। इसे कंपेयर क्यों किया,
क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है ना कि कंसिडरेशन जो है ना, कंसिडरेशन जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होनी चाहिए। आपको सेक्शन 10 याद होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। लॉफुल कंसिडरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वहां पर, कि कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। सिर्फ लॉफुल कंसिडरेशन वर्ड लिखा है, एडिक्वेट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ही लिखी हुई है। अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट भी है, मतलब 50 लाख का घर 1 लाख में बेच दिया गया, तो कल को कभी फ्री कंसेंट पे क्वेश्चंस उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं था, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर जाएगा जिसने एडिक्वेट कंसिडरेशन पे नहीं किया है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगी। तो एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन के ऊपर बराबर पॉइंट्स रेज्ड होते ही रहते हैं लॉ में, लेकिन यहां पे एडिक्वेट कंसिडरेशन की बात नहीं कही गई है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन की बात कही गई है। मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में भी बेच दी गई है ना, तो भी लिमिटेशन रन करेगी दिस वन, तो भी लिमिटेशन रन करेगी। इट्स नीड नॉट बी द एडिक्वेट कंसिडरेशन एट ऑल। ठीक है, ओके। तो आज हमने दो प्रोविजंस फिनिश किए हैं, ये क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, आप इसको जरूर देखिए, कुछ सॉल्व फिगर करने का काम भी कीजिए। कल हम फिर देखते हैं, कुछ नई बातों को फाइंड आउट करते हैं इसी एक्ट का, आज यहीं रखते हैं।